गाइस, पानी पर तैरने वाले जहाज का वजन कई हजार टन होता है। सवाल यह है कि जब लोहे की छोटी सी चीज पानी में डूब जाती है तो फिर लोहे से बना हजारों टन वजन का पानी का जहाज पानी में डूबता क्यों नहीं? इसके पीछे आर्कमिडीज का सिद्धांत काम कर रहा है। जब भी हम लोहे की कोई वस्तु पानी में डालते हैं तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उसे ऊपर की ओर उछालती है और वह आयतन तैरता रहता है। इसलिए जब हम कोई लोहे का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए पानी के ऊपर लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। इसलिए लोहे का छोटा सा टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े का एक प्लेट बना दिया जाए तो पानी के नीचे से लगने वाली शक्ति को बड़ा आकार मिल जाता है और वह तैरने लगती है। इसी कारण छोटा सा लोहे का टुकड़ा डूब जाता है और बड़े जहाज डूबते नहीं। दोस्तों, ये फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए फैक्ट के साथ।